Good morning, students. In our last class, we had studied about normal blood cell count and normal composition of blood. क्योंकि हम स्टेम सेल डिसऑर्डर्स कर रहे हैं एंड इन कॉन्टिन्यूएशन विद आवर प्रीवियस लेक्चर आज हम पढ़ेंगे कि रेड ब्लड सेल्स के कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं. तो जब भी रेड ब्लड सेल्स का आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स नॉर्मल काउंट होता है 3.5 to 5.5 मिलियन प्लेटलेट्स एंड WBC का काउंट होता है इन थाउजेंड्स. रेड ब्लड सेल्स का काउंट होता है इन मिलियंस. जब भी ये काउंट बिलो नॉर्मल हो जाता है तो इट रिजल्ट्स इन अनीमिया एंड अबव नॉर्मल हो जाता है देन इट रिजल्ट्स इन पॉलीसाइथीमिया. तो अनीमिया क्या होता है स्टूडेंट्स? रिड्यूस्ड टोटल रेड सेल मास. लो काउंट होता है तभी हम उसे अनीमिया कहते हैं. अब अनीमिया के क्या कॉजेज हैं स्टूडेंट्स? ब्लड लॉस, रेड सेल डिस्ट्रक्शन, हीमोलाइसिस या डिक्रीज्ड रेड सेल प्रोडक्शन. बिकॉज वी आर स्टडिंग स्टेम सेल डिसऑर्डर्स तो हम वो अनीमिया पढ़ेंगे जो बिकॉज ऑफ रेड स्टेम सेल्स होता है. सो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि अनीमिया की वजह से रेड सेल्स के शेप में भी चेंजेस आ जाती हैं. मैक्रोसाइटिक मीन्स रेड सेल्स आर एबनॉर्मली बिग इन साइज. नॉर्मोसाइटिक इज नॉर्मल साइज ऑफ रेड सेल्स एंड माइक्रोसाइटिक इज स्मॉल रेड सेल्स. व्हाट आर रेटिकुलोसाइट्स? रेटिकुलोसाइट्स आर न्यूली मेड रेड सेल्स एंड देयर नंबर इज इन द ब्लड इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रेड सेल प्रोडक्शन. ये हमें याद रखना है RBC के लिए. नाउ अगर रेड सेल्स के शेप में चेंजेस आती हैं तो कौन सा अनीमिया होता है स्टूडेंट्स? ये हमको देखना है कि ये देखिए ये नॉर्मल RBC हैं जो बाय कॉनकेव डिश शेप होते हैं. ये नॉर्मल RBC हैं. सिकल सेल डिजीज में हम देखते हैं कि RBC बिकम हाफ मून क्रिसेंट शेप. ये थैलेसीमिया है जिसमें फिर से RBC का शेप चेंज हो रहा है. मेगालोब्लास्टिक अनीमिया जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हो रहा है इसमें चेंज हो रहा है. आयरन डेफिशिएंसी. दीज आर ऑल हीमोलाइटिक अनीमिया. हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस इसमें फिर से चेंज हो रहा है. मेन स्टूडेंट्स हमें यही पढ़ने हैं सिकल सेल, थैलेसीमिया, मेगालोब्लास्टिक ये आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया एंड हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस. तो ये RBC की जब शेप में चेंजेस होती हैं तो ये डिजीजेस हो जाते हैं सिकल सेल, थैलेसीमिया, मेगालोब्लास्टिक. और RBC का नंबर चेंज हो जाए तो मैक्रोसाइटिक, रेटिकुलोसाइट्स, माइक्रोसाइटिक ऐसे बोलते हैं हम. नाउ अनीमिया क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कॉज. अगर रेड सेल का प्रोडक्शन कम हो रहा है, डिक्रीज्ड रेड सेल प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? या तो स्टेम सेल डैमेज हो रहा है. अगर स्टेम सेल डैमेज हो रहा है तो न्यूट्रोफिल्स एंड प्लेटलेट्स भी अफेक्टेड होंगे या फिर डिफेक्टिव रेड सेल मैच्यूरेशन हो रहा है. ये तो फर्स्ट कॉज हो गया डिक्रीज्ड रेड सेल प्रोडक्शन. सेकेंड कॉज है इंक्रीज्ड रेड सेल डिस्ट्रक्शन, हीमोलाइसिस जो कि मलेरिया में होता है. इंट्रिंसिक डिफेक्ट इन रेड सेल लीडिंग टू शॉर्टन लाइफ स्पैन. अगर रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन वगैरह में चेंजेस आ जाए तो उनकी लाइफ स्पैन 120 डेज से शॉर्टन हो जाती है. एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं इन ब्लड और ब्लड वेसल्स डिस्ट्रॉय रेड सेल्स. एंड थर्ड इज ब्लड लॉस. अगर स्टेम सेल डैमेज हो जाता है स्टूडेंट्स तो हमें पता है कि प्लेटलेट्स एंड ग्रैन्यूलोसाइट्स भी अफेक्टेड होंगे क्योंकि इनका कॉमन स्टेम सेल होता है माइलॉइड स्टेम सेल. लिम्फोइड स्टेम सेल से तो लिम्फोसाइट्स निकले, ये अलग है BNT लिम्फोसाइट्स. नाउ ए प्लास्टिक अनीमिया ये हमें डिटेल में पढ़ना है. स्टेम सेल डिसऑर्डर होता है. ए प्लास्टिक अनीमिया में स्टेम सेल ही आपका डिफ्रेंशिएट प्रॉपरली नहीं होता है तो इसमें डिक्रीज नंबर्स ऑफ प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स आ जाते हैं. दिस हैपन्स ड्यू टू वायरल इन्फेक्शंस, आयनाइजिंग रेडिएशन, साइटोटॉक्सिक केमिकल्स.
या इडियोपैथिक, इडियोपैथिक का मतलब होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाए, इसमें क्या हो जाएगा, बोन मैरो या तो एम्प्टी हो जाएगा या उसमें सेल्स का नंबर कम हो जाएगा, हाइपोसेल्यूलर, बिकॉज प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल इज अफेक्टेड, तो आरबीसी, न्यूट्रोफिल्स, थ्रोम्बोसाइट्स तीनों ही कम होंगे, तो उसे हम कहेंगे अनीमिया, न्यूट्रोपीनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। इसमें बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। ए प्लास्टिक अनीमिया, ये देखिए बायोप्सी, ये ए प्लास्टिक अनीमिया में नॉर्मल में देखिए नंबर ऑफ सेल्स, और ए प्लास्टिक में हाइपोसेल्यूलर नंबर ऑफ सेल्स विल डिक्रीज। नाउ अनीमिया क्योंकि किसी सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से हो जाए, किसी डिजीज के बाद अनीमिया हो जाए, तो उसमें क्या होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जैसे किडनी फेलियर, क्योंकि किडनी ही इराइथ्रोपोइटिन बनाता है, तो इराइथ्रोपोइटिन नहीं होगा तो आरबीसी नहीं बनेंगे। कैंसर, माल न्यूट्रिशन, इनमें क्या होता है, डिक्रीज स्टिम्यूलस फॉर रेड सेल प्रोडक्शन। बोन मैरो में कुछ गलत नहीं होता है, और ये अनीमिया में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन नहीं चाहिए, इसमें तो अनीमिया इज रिजॉल्व्ड इफ कॉजेटिव डिसऑर्डर क्योर्ड, मे बी ट्रीटेबल विद सिंथेटिक इराइथ्रोपोइटिन। नाउ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, दीज आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, डिक्रीज्ड रेड सेल प्रोडक्शन होता है इसमें, इसमें डिक्रीज रेड सेल प्रोडक्शन है, और साइज बदल जाएगा, माइक्रोसाइटिक हो जाएंगे, स्मॉल सेल्स ड्यू टू डिक्रीज हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। ये प्रेगनेंसी में हो सकता है, पुअर डाइट में हो सकता है, इसमें आयरन लेने से सब ठीक हो जाता है। आयरन डेफिशिएंट स्मॉल, ये देखिए पेल सेल्स होते हैं और नॉर्मल सेल्स ये रहे। अनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी, मैंने आपको बताया था मेगालोब्लास्टिक या परनीशियस अनीमिया कहते हैं इसको, इसमें क्या हो जाते हैं, साइज बड़ा हो जाता है। पिछली बार आपने देखा था आयरन डेफिशिएंसी में साइज छोटा हो रहा था, माइक्रोसाइटिक। विटामिन B12 या मैक्रो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया जो होता है, परनीशियस अनीमिया, इसमें साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है। ओके, मैक्रोसाइटिक, B12 चाहिए। इट इज़ यूजली ड्यू टू पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन रादर देन पुअर डाइट। आयरन में तो डाइट पुअर होती है, इसमें पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो स्टमक होता है, स्टमक में कोई डिसऑर्डर हो जाता है तो जो स्टमक से इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट हो रहा है वो नहीं होता। जब तक वो इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक नहीं सिक्रीट करेगा तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर यानी विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। विटामिन B12 के इंजेक्शन से इसको क्योर किया जा सकता है। नाउ थैलेसीमिया, व्हाट इज थैलेसीमिया? थैलेसीमिया में स्टूडेंट्स, अभी तक आप आरबीसी में पढ़ रहे थे, डिफेक्ट था तो अनीमिया हो रहा था। थैलेसीमिया में क्या होता है स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन में के प्रोडक्शन में डिफेक्ट हो रहा है, डिफरेंस है। आरबीसी में अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो अनीमिया, थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन का नॉर्मल प्रोडक्शन नहीं हो रहा। तो थैलेसीमिया इज कॉज बाय डिफेक्ट इन जीन्स फॉर ईदर ऑफ द प्रोटीन चेन्स इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हमें पता है 2 अल्फा एंड 2 बीटा प्रोटीन चेन्स होती हैं, 4। इन चारों चेन्स में से किसी एक में भी अगर डिफेक्ट आ गया तो थैलेसीमिया हो जाता है। थैलेसीमिया में माइक्रोसाइटिक अनीमिया होता है। ओके, थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया मेजर इज द सिवियर फॉर्म ऑफ थैलेसीमिया इन विच मोस्ट पेशेंट्स डिपेंड ऑन रेड सेल ट्रांसफ्यूजन टू सर्वाइव। माइल्ड और मॉडरेट में थैलेसीमिया माइनर आता है, ये थैलेसीमिया मेजर है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें रेड ब्लड सेल्स के डिसऑर्डर्स, तो हमें मेनली कौन से डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं? अगर कम है तो मेनली देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स। 1 इज दी अनीमिया, जिसमें रेड ब्लड सेल्स का काउंट जो है बिलो नॉर्मल हो रहा है। अगर रेड ब्लड सेल्स का काउंट अबव हो रहा है नॉर्मल, देन इट इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया, इन पॉलीसाइथीमिया व्हाट हैपेंस इज दैट रेड ब्लड सेल्स का काउंट तो अबव नॉर्मल है, बट दो रेड ब्लड सेल्स आर नॉट नॉर्मल। जो सर्कुलेटिंग ब्लड में आ जाते हैं वो आ जाते हैं रेटिकुलोसाइट्स। अगर हम फर्स्ट स्लाइड याद करें स्टूडेंट्स, तो हमने क्या कहा था, रेड ब्लड सेल्स के साइज के अकॉर्डिंग दे कैन बी माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक जो कि नॉर्मल होता है, देन मैक्रोसाइटिक। मैक्रोसाइटिक आप पढ़ रहे हैं कि अनीमिया में हो जाता है,
एंड उसके बाद रेटिकुलोसाइट्स आते हैं. रेटिकुलोसाइट्स क्या होते हैं? इमेच्योर. तो पॉलीसाइथीमिया वेरा जो होता है, जिसमें आरबीसी का नंबर बढ़ रहा है, उसमें सर्कुलेटिंग ब्लड में रेटिकुलोसाइट्स आ जाते हैं जो कि इमेच्योर आरबीसी होते हैं. थैलेसीमिया में आप पढ़ रहे हैं कि माइक्रोसाइटिक आ जाते हैं सेल्स आरबीसी, और मैक्रोसाइटिक किसमें आते हैं? परनीशियस एनीमिया में. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आरबीसी के स्टेम सेल डिसऑर्डर्स आते हैं तो उसमें हमको बताना है कि अनीमिया, थैलेसीमिया एंड देन वी हैव टू डिस्क्राइब पॉलीसाइथीमिया. इन तीन हेडिंग्स में हमको आरबीसी के स्टेम सेल डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्क्राइब करना है. इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर्स.